Hey friends, I'm Shraddha and welcome in Shraddha Singh channel. और आज मैं बनाने वाली हूँ concentrated नींबू पानी या नींबू का शरबत. concentrated नींबू पानी या नींबू का शरबत बनाना आसान है और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में महीने के भर के लिए फॉर वन मंथ, और जब भी मन करे थोड़ा सा पोर्शन लेके चिल्ड वाटर के साथ मिक्स करके इसे सर्व कर दें. तो concentrated नींबू पानी बनाने के लिए हमने लिया है पहले वाटर. ये पानी है हमारा और ये एक ग्लास है हमारा जिससे मैंने 3 से 4 ग्लास पानी ले रखा है मैंने इसमें, यानी हमारा हाफ लीटर से ज़्यादा ही पानी है. ये हमारी शुगर क्रिस्टल शुगर है और मैं 4 या 5 टेबलस्पून लूँगी. नींबू पानी या नींबू का रस, ये हमारे पूरे एक बड़े नींबू का रस था या 2 या 3 टेबलस्पून है. ये है जीरा पाउडर 1 टीस्पून या 2 टीस्पून मैं लूँगी. ये है काला नमक, आप सादा नमक भी ले सकते हैं, काला नमक मैं 2 टीस्पून लूँगी. तो ये सबसे पहले हम जो शुगर और वाटर का मिक्सचर रेडी करेंगे, यानी शुगर को गाढ़ा करते हुए चाशनी बनानी है एक तार वाली. तो इसे मेल्ट होने देते हैं हाई फ्लेम पर. कंसेंट्रेटेड नींबू पानी बनाने के फ़ायदे ये हैं कि इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा होता ही है. आप फ्रिज में रख के किसी एयरटाइट कंटेनर में रख दें या किसी जार में, और वो एक महीने तक आपका चल जाता है. अभी नींबू का जूस भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और बॉयल होने देते हैं, मेल्ट होने देते हैं शुगर को अच्छे से. और मैं कह रही थी जब भी आपका मन करे या आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हैं, आप ग्लासेस लो, उसमें 1 या 2 टेबल स्पून आप ये जो नींबू पानी ये कंसनट्रेटेड वो डाल दें और फिर उसमें बाकी का चिल्ड वाटर के साथ मिक्स करके सर्व करें. बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा लगता है पीने में. तो अभी ये बॉयल आ गया है, शुगर हमारा मेल्ट हो चुका है. इसे थोड़ा सा हमें मीडियम फ्लेम पे करके गाढ़ा करना है, एक तार वाली चाशनी बनानी है. तो इसे हम गाढ़ा करते रहेंगे चलाते हुए. अभी ये देखिए बॉयल हो रहा है, बहुत ही गाढ़ा हो गया है. एक तार की चाशनी हमारी लगभग रेडी है. तो इसमें हम जो जीरा पाउडर और नमक था वो भी डाल देंगे. आप चाहें तो बाद में डाल दें, मैं अभी ही डाल दूंगी. और इसके बाद उसे भी मिक्स कर देना अच्छे से. तो देखिए काफ़ी बढ़िया कलर भी आ गया है और रेडी भी है, काफ़ी थिक भी है. तो इसमें हम डाल देते हैं नमक और जीरा पाउडर, यानी क्यूमिन सीड पाउडर. ये जीरा पाउडर हमारा भुने हुए जीरे का पाउडर है. ये 2 टीस्पून हमने इसे डाला है एंड 2 या 3 टीस्पून हम ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक डाल देंगे. या आप अपने स्वाद अनुसार भी इसको जैसा भी चटपटा बनाना चाहें उसके हिसाब से कम या ज़्यादा कोई भी क्वांटिटी कर सकते हैं किसी भी चीज़ की. तो ये मिक्स कर देंगे. ये हमारा कंसनट्रेटेड नींबू पानी या नींबू का शरबत बिल्कुल रेडी है. और बस हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद किसी भी जार में या बॉटल में डाल के हम फ्रिज में इसे स्टोर कर सकते हैं. अभी हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया है नींबू पानी, तो इसे हम एक जार में डाल देते हैं. और डाल के इसे अब मैं 1 मंथ के लिए या 2 to 3 वीक्स के लिए जब तक चाहूँ फ्रिज में रख करके स्टोर कर सकती हूँ. और जब मन करे आप ऐसे ग्लास लें जिसमें 1 या 2 टेबलस्पून ऑफ पोर्शन लें अपने कंसनट्रेटेड नींबू पानी का, जैसे मैंने लिया है, और इसमें फिर आप बाकी का चिल्ड वाटर एकदम ठंडा पानी मिला करके मिक्स कर लें. आपका फ्रेश नींबू पानी रेडी हो जाएगा. आपको बार बार नींबू निचोड़ना, चीनी मिलाना, फिर उसको 10 मिनट तक लगातार चलाते रहने के मिक्स करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है. जब भी मर्जी करें कंसनट्रेटेड नींबू पानी लेके चिल्ड वाटर मिला के एक बार हिला के आपका फ्रेश टेस्टी नींबू पानी रेडी है. तो ये देखा आपने कि कितना आसान है नींबू पानी बनाना और कितना आसान है कंसनट्रेटेड नींबू पानी से नींबू पानी बनाना. इसे ज़रूर आप ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें, और जितना हो सके दूसरों से भी शेयर करें रेसिपी. लाइक करें और मेरा चैनल श्रद्धा सिंह ज़रूर सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, ताकि मैं और भी जितने मेरे पास और जितना मैं आगे ला सकूं बढ़िया रेसिपीज़ आपके लिए, वो आप ज़रूर देख पाएँ और यूज़ कर सकें अपनी लाइफ में. थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो.